हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनीष ट्यूटोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू अपने साइंस यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के सीरीज का। पहला क्वेश्चन है, तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं मार्सीलिया में, फर्न में, साइकस में या इन सभी में? क्या पूछा है? तरुण पत्तियां क्या होती हैं? कुंडलित। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? इन सभी में, मार्सीलिया में, फर्न में और साइकस में, इन तीनों में तरुण पत्तियां हमें पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है, जो यूफोर्बिया हिरसुटा में पुष्प क्रम होता है, जो पुष्पों का क्रम होता है वो कौन से टाइप का होता है? हाइपैंथोडियम, साइएथियम, वर्टिसिलास्टर या रेसिमोस? किसमें? यूफोर्बिया हिरसुटा। ये एक प्लांट के स्पीशीज का क्या है? नाम। तो इसमें जो हमें मिलता है वो मिलता है साइएथियम, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है, कीटों के कायांत्रण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? जो कीट होते हैं, कीटों के कायांत्रण मतलब कलर चेंज होने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? थायरोक्सिन, इक डाइसोन, फेरोमोन या इनमें से सभी? तो कायांत्रण कीटों का, उसके लिए जो हार्मोन होते हैं वो होता है हमारा इक डाइसोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? जल संवहन तंत्र का मतलब हमारा वाटर, WATER वाटर, वस्कुलर, VASCULAR वस्कुलर, सिस्टम, SYSTEM वाटर वस्कुलर सिस्टम किसका लक्षण है? पोरीफेरेंस, मोलस्कस, इकाइनोडर्म या इनमें से सभी? तो जैसा कि हमको पता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? हमारे इकाइनोडर्मेटा का। तो इसमें हमारा इकाइनोडर्मेटा है ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोडर्म्स। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वाटर वास्कुलर सिस्टम के कारण ही जो हमारे इकाइनोडर्म्स होते हैं, जैसे कौन सा? स्टार फिश। तो ये इसी के कारण क्या करते हैं? अपना रेस्पायरेशन और क्या करते हैं? अपना फूड भी लेते हैं इसी प्रक्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन, मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है? मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है? रोहू, गैम्बूशिया, A&B दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। अब जो मलेरिया के नियंत्रण के लिए इनमें से मछली है, वो कौन सी मछली प्रयोग होती है, हमें पहले उसका नाम बताना है। तो वो जो होती है वो होती है हमारी गैम्बूशिया। अब सवाल ये उठता है कि गैम्बूशिया मलेरिया के नियंत्रण में कैसे हेल्प करती है? तो जो मलेरिया होता है, मलेरिया हमें जो होता है वो किससे होता है? इसके लार्वा से। ठीक है, तो जो मलेरिया का जो लार्वा होता है ना, इस लार्वा को गैम्बूशिया क्या करती है? खा जाती है। इस लार्वा के खाने के कारण मलेरिया क्या होता है? कंट्रोल में आ जाता है, मतलब मलेरिया वहाँ उस इलाके में बीमारी नहीं होती है मलेरिया की। ठीक है, इसीलिए ये मछली हेल्प करती है मलेरिया के नियंत्रण में। या जो मलेरिया लार्वा, या मैं बोलूँ मॉस्किटो का लार्वा जो होता है ना, उसको खा जाती है कौन? गैम्बूशिया मछली। है हमारा पंखी पराग कण पाए जाते हैं, मतलब वो पराग कण जिनमें क्या होते हैं? पंख। वो किस में पाए जाते हैं? साइकस में, पाइनस में, फाइकस में या हिबिस्किस में? तो जो पंखी पराग कण है वो किस में पाए जाते हैं? हमारे पाइनस में। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अग्नयाशी रस के श्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोगेस्ट्रॉन, सीक्रेटिन, गैस्ट्रिन या एंटेरोकाइनिन? तो हमारा अग्नाशयी रस के श्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है, उसका नाम होता है हमारा सीक्रेटिन। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में है, खरगोश का गर्भकाल है, जो खरगोश का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 48 से 50 दिन, 60 से 70 दिन, 18 से 20 दिन, 28 से 32 दिन? जो खरगोश का गर्भकाल होता है 28 से 32 दिन का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है, शेक एक अच्छे सूचक हैं, शेक जो है अच्छे सूचक किसके हैं? शेक का मतलब लाइकन, LICHEN, लाइकन। लाइकन किसके सूचक मतलब इंडिकेटर हैं? जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के या इन सभी के? तो जो हमारे लाइकन होते हैं या फिर शेक होते हैं, वो हमारे किसके अच्छे सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। ठीक है, और लाइकन जो हमारे शेक होते हैं, वो कौन से किस तरह के वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं? तो जिसमें क्या हो, SO2 गैस हो। ठीक है, SO2 गैस जहाँ पर भी होगी तो ये उसके क्या होंगे, इंडिकेटर। ठीक है, या जहां पर भी SO2 गैस होगी वहां पर लाइकन क्या ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है, लैमार्क का आधार है प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, विभिन्नताएं या उपार्जित लक्षणों की वंशागति? तो जो लैमार्क का आधार था वो क्या था हमारा, उपार्जित लक्षणों की वंशा गति। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है? समान पीतकी अंडा, मीजो लेसाइथल अंडा, मीजो लेसिथल अंडा, मैक्रो लेसिथल अंडा या केंद्र पीतकी अंडा? तो सतही विदलन होता है हमारा किसका लक्षण होता है, हमारे केंद्र पीतकी अंडे का लक्षण होता है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? रक्ताल्पता, इटाई इटाई, मिनीमाटा या फिर न्यूमोनो कोनियोसिस? तो कैडमियम जो हमारा प्रदूषण है, कैडमियम का प्रदूषण, ये हमारा संबंधित होता है किससे, इटाई इटाई बीमारी से। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन में है, वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई अगला क्वेश्चन है हमारा, वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को कहते हैं। वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा जो हमारा पानी की हानि होता है ना, उसका नाम बताना है। गटेशन, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन या इनमें से कोई नहीं? तो जब भी पौधों के बारे में पूछा जाए, और क्या पूछा जाए, पानी की हानि वाष्प के रूप में, तो ठीक है, तो इसका हमेशा जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्योंकि इसमें किसके रूप में पूछा है, वाष्प के रूप में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में विनियम होती है? तो विनियम किस में होती है, प्रावस्था एक, प्रावस्था दो, इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस? तो विनियम जो होती है, विनियम हमें कब देखने को मिलती है, प्रावस्था 1 में।
इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, साबूदाना प्राप्त किया जाता है साइकस से, पाइनस से, फर्न से या मॉस से। तो जो साबूदाना होता है वो हमें मिलता है किससे? फर्न से। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है, लेग्यूमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पन्न करते हैं अनाज का, तेल का, रेशों का, दालों का। और जैसा कि हम सबको पता है, लेग्यूमिनेसी कुल में हमारे क्या आते हैं? तो जितने भी हमारी दालें हैं ये कौन सी में कुल में आते हैं? हमारे लेग्यू मिनेसी। इसीलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। और जो भी लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य होते हैं वो किसका उत्पादन करते हैं? दालों का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, नॉस्टॉक एक प्रकार है किसका? नील हरित शैवाल का, हरित शैवाल का, भूरी शैवाल का या लाल शैवाल का? किसके बारे में पूछा है? नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक जो है वो क्या होता है हमारा? नील हरित शैवाल का। मतलब जो हमारा नॉस्टॉक NOSTOC नॉस्टॉक है, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या है एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है, पक्सीनिया से होता है, जो पक्सीनिया होता है पक्सीनिया से क्या होता है? जंग रोग, कंड रोग, मलानी रोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पक्सीनिया होता है पक्सीनिया क्या करता है? जंग रोग। जो हमारा पक्सीनिया होता है PUCCINIA, पक्सीनिया क्या होता है हमारा? रस्ट फंजाई, RUST, रस्ट FUNGI, रस्ट फंजाई का मतलब ये क्या करता है? रस्ट। और रस्ट का मतलब जंग रोग करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है, जो हमारे कशेरुकी कशेरुकी जो होते हैं उनमें हृदय स्पंदन किससे होता है? तंत्रिकी, मांसपेशियों द्वारा, दोनों ए वो बी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कशेरुकी होते हैं इनमें हृदय स्पंदन जो होता है हमारा वो किसके कारण होता है? मांसपेशियों द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम आज के अपने आखिरी प्रश्न की और। फ्यूनेरिया के परिमुख दांत होते हैं, आर्थोडोंटस प्रकार के, निमेटोडोंटस प्रकार के, एम्फीडोंटस प्रकार के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका? फ्यूनेरिया का। तो फ्यूनेरिया के जो प्रमुख दांत होते हैं वो होते हैं हमारे आर्थोडोंटस प्रकार के। इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अभी की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग में।